स्मार्ट सिटी को डिजाइन किया है। स्मार्ट सिटी जो हमारे नरेंद्र मोदी और हमारे महात्मा गांधी का हमारे आसपास काफी ज्यादा कचरा वगैरह फैल रहा था, जिसके कारण हम लोगों को डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को डायरिया हो सकता है, हम लोगों को मलेरिया हो सकता है, एक्सेट्रा ढेर सारी बीमारियां। बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए, इसलिए हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी को लोकेट किया और इस स्मार्ट सिटी में हम एक स्मार्ट डस्टबिन को स्मार्ट डस्टबिन हमारे गवर्नमेंट के थ्रू तो ढेर सारा वर्ड स्टेशन पे लगा हुआ है डस्टबिन, बट वो ओपन है। ओपन के कारण इसमें प्रॉब्लम हाइजीनिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों ने ऑटोमेटिक एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। ये स्मार्ट डस्टबिन आपको सेंस करेगी, यहाँ पे एक PIR सेंसर लगेगा जिसके कारण आपको वो सेंस कर रही है ओपन होती है। इसमें एक टाइम डिटेक्टर लगा हुआ है जिसमें 45 सेकंड का टाइमिंग है जो उतना सर्टेन टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता होगा। हाँ, इसमें फिर आपको लाइट डिटेक्टर है जिसके कारण आपका यहाँ पे लाइट डिटेक्ट होगा 60%, 70%, 80% एंड 90%। 60, 70, 80% तक आपको ग्रीन लाइट शो करेगी और 90% आते ही आपको रेड लाइट शो करेगी। रेड लाइट आपको शो करेगी यानी कि आपका कचरा फुल हो चुका है। तो आपको कैसे पता चलेगा, कोई तो देखने के लिए वहाँ नहीं बैठा। इसलिए गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो जागरूक लोग हैं उनके मोबाइल नंबर GSM सेट के द्वारा यहाँ पे सेट है। यहाँ पे एक हमने सिम कार्ड करके रखा है जिसमें मोबाइल नंबर पुट किया हुआ रहेगा, जिसके कारण आपको वो मैसेज करेगी कि आपका कचरे का डब्बा जो वो फुल हो चुका है, आप जा करके उसको क्लीन करवाइए या फिर बाहर निकलवा लीजिए जो भी है। फिर कभी कभी आप देखते हैं कि अनवांटेड मटेरियल रखा जाता है, अनवांटेड मटेरियल बेबी बॉय, बेबी गर्ल या फिर कभी कोई पपी या फिर डॉग वगैरह कुछ भी गिर जाता है और फिर उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, मर जाता है, स्क्रीनिंग करता है। इसलिए हम लोगों ने इसमें सेंसर लगाया है, वो वर्क करके हमें मैसेज करेगा समथिंग इज सस्पिशियस, जिसके कारण हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे कचरे के डिब्बे में सस्पिशियस मटेरियल है लाइक एटल वगैरह कुछ, वो हम लोग डिटेक्ट करके अपने